अफगानिस्तान ने फेंटा दिया पाकिस्तान को ठीक ठाक किस्म का। वेरी एम्बेरसिंग, रियली रियली एम्बेरसिंग, लाइक आई एम रियली सुपर सुपर डिसअपॉइंटेड। बाबर आजम का कहते हैं जी विराट कोहली, मैं बाबर आजम को किसी खाते में नहीं लेके आता, चार मैच खेल चुका है अभी तक, आज 50 किया, वो भी रो रो के उसने 50 किया और टीम सामने अफगानिस्तान के खिलाफ 90 बॉल खेला है और 70 रन किया उसने। और बताओ मैं इनको क्या करूं, अफगानिस्तान ने घंटा बजा दिया पाकिस्तान का। ये हमारी बेहतरीन नंबर वन बॉलिंग भी थी ना हमारी, ये बिल्कुल नंबर वन, नंबर वन हम हर जगह नंबर वन फेल किया, जिसको देखना पड़ेगा ये कहने के लिए। मेरा ख्याल दोनों इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कह सके, बता सकते हैं आप अंदाजा लगाएं प्रेशर कितना इसका होने वाला वर्ल्ड कप, जल्दी आओ इंडिया इंशाल्लाह। अफगानिस्तान वाले पहले पाकिस्तान से क्रिकेट सीखते थे, अब ये इनको सिखाने में लगे हुए हैं। मैं कहूंगा कि ये बात है कि पाकिस्तान की इतनी अच्छी टीम होके भी अफगानिस्तान जैसी टीम से मैच हार गई। पाकिस्तान तो गयो सीधा भाई इस्लामाबाद या कराची लाहौर के एयरपोर्ट पे उतरेगा भाई। जय हिंद दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा के वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। दोस्तों इस बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप से लगभग बाहर ही हो चुका है, अब उनका जो है वह कोई चांस बचा तो वह ऑस्ट्रेलिया की जीत व हार पे। अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती है तो उनका थोड़ा बहुत चांस बन सकता है, लेकिन उससे पहले जो है इस वक्त जो पाकिस्तान अब जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, अब उनका जो प्लेन सीधा अब जो है लाहौर के करीब ही रुकेगा। दोस्तों पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने बुरी तरीके से हराया और उनकी सो कॉल्ड जो भी फास्ट बॉलिंग वो बताते हैं 150 प्लस की, उसको बुरी तरह से धो डाला और दो विकेट गवा कर इतने रन बना दिए कि उनके चारों प्लेयरों ने ही धमाकेदार अपनी जो है वो अर्धशतक किए और इसी के साथ जो पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया और वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, जिसके बाद से अफगानिस्तान लोगों ने काफी बड़ा सेलिब्रेशन किया। दोस्तों आज की हमारी पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या बात है बड़ी, आपकी एनर्जी डाउन है और बात यहाँ पे मैं आपसे, आप लोग देख रहे थे यहाँ पे तो लोग बात ही नहीं कर रहे कि भाई क्या वजह है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या कहेंगे, और अफगानिस्तान से मैच हारना हैरत वाली बात नहीं है, और ये पहली दफा वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप में पहली दफा हुआ है कि अफगानिस्तान से मैच हार गए हैं। सर बात सिंपल सी है, देखें कि हमारी टीम वर्ल्ड कप से पहले नंबर वन टीम थी, पाकिस्तान की टीम बॉलिंग अटैक देख लें, बैटिंग देख लें, दुनिया डर रही थी कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में पता नहीं क्या कर देगी। जैसे ही वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, आप सब ने हमारी परफॉर्मेंस देखी है, ठीक है, और जो हीरो थे वो जीरो हैं। अच्छा इंडिया के साथ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, बड़े लोग ये कह रहे थे इंडिया के साथ सिर्फ प्रेशर में आ जाते हैं, इवन मैंने खुद कहा कि भाई क्या बात है दूसरी टीम के साथ तो चलो खेलते हैं इंडिया के साथ, आज अफगानिस्तान जिस तरीके से खेला है और पाकिस्तान जिस तरीके से खेला, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर आज तो ऐसे लग रहा था कि अफगानिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान का जैसे मैच होता है और जैसे इंडिया हम पे हैवी होता है, आज अफगानिस्तान हम पे हैवी हुआ हुआ था। हालांकि वो टीम टीम में नहीं आती, टीमों में शुमार नहीं किया जाता उस टीम को, दूसरा वर्ल्ड कप है इसलिए उसको हम टीमों में शुमार नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने आज ऐसी क्रिकेट दिखाई है हमें कि हम ये समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हो रहा है बांग्लादेश के साथ जैसे, ठीक है, और अफगानिस्तान वो टीम नहीं करी है कि उन्होंने इंग्लैंड को हराया, लेकिन आज एक हिसाब से बॉलिंग ट्रैक था, ठीक है, हमारा बॉलिंग ट्रैक था तो हमारे हारिस रऊफ को जिस तरीके से उठा उठा के उनके ये यही तो बात है कि जब आप यारी दोस्ती देखेंगे, आप अपनी टीम में अच्छे लड़के भी बिठाए हुए हैं, आपने हमारे पास जमान खान बॉलर लेके गए हैं, उसको बिठाने के लिए पानी पिलाने के लिए नहीं लेके गए, उसको चांस दें, आपके पास बॉलर नहीं काम कर रहे, आप पाकिस्तान से कोई बॉलर रिप्लेसमेंट पे बुला लें, लेकिन नहीं, इसने हारिस रऊफ ने पिछले इंडिया के मैच में पहले 3 ओवर में 50 रन मखाया है, आज उसने ओवर स्टार्ट किया है उसको पहले 3 ओवरों में पहले ओवर में 17 स्कोर लग गया, जबकि सबको पता है कि चेन्नई की टीम विकेट जो है वो बॉलिंग ट्रैक है। अफगानिस्तान ने क्या किया, अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर्स के साथ आ जाया, हमें क्या करना चाहिए था, हमें हारिस को बिठा के 3 स्पिनर्स के साथ आना चाहिए था, लेकिन वो वही बात आ जाती है कि जब तक ये यारी दोस्ती ये सब कुछ चलेगा तो तब तक तो फिर ये ऐसा ही रहेगा। अच्छा एक बात अब हम ये कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ये तो हम लाहौर में खड़े हो गए, ये बात कर रहे हैं, हमारे मैनेजमेंट को क्यों नहीं नजर आ रहा, हमारी मैनेजमेंट को सब नजर आ रहा है, ये मैं कल के परसों शोएब अख्तर की वीडियो देख रहा था, वो कह रहे हैं हम इनको फोन कर रहे हैं, अच्छा हम इनको फोन कर रहे हैं कि यार ये चेंजिंग करो ये लेके, वो उल्ट उसके चल रहा है बाबर, वो कहता है मैंने उसको फोन किया कि यार तुम इस तरह टीम को लेके चलो ये करो ये चेंजिंग करो, कहता है वो उसके उल्ट चल रहा है। वर्ल्ड कप किसका होने वाला है? इंशाल्लाह पाकिस्तान। रियलिटी देखे तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इधर आओ ना, इधर आओ अंदर आओ ना, इधर आओ, क्या कह रहे हो किसका होने वाला वर्ल्ड कप, जल्दी आओ। इंडिया इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंडिया। आप मेरे बात में एक छोटी सी बात करें,
देखे ना हमारे में इत्तेफाक नहीं है, हम सब पाकिस्तानी है। अगर हम सब मिलकर ना पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे ना इंशाल्लाह वो जरूर जीतेगा। लेकिन क्या करे लोटे बन जाते हैं कुछ लोग। दुआ ठीक है मैटर करती है बट मगर दुआएं भी हर जगह काम नहीं आती, मेहनत भी करनी पड़ती है। अगर हमारे बाबर आजम बिरयानियां खाएंगे तो भाई जीतेगा कौन? नहीं वो बिरयानी की बात ही नहीं, अगर हम सपोर्ट करें वो उन्हें पता होगा ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते, हम लोग सपोर्ट नहीं करते। 26 करोड़ आवाम में से 20 करोड़ तो करती है ना सपोर्ट, 6 करोड़ को साइड पे कर दो। नहीं ना 6 करोड़ ही ना करते, अगर 20 करोड़ है ना तो कम से कम 10 करोड़ करती है। बाकी जैसे जो मेरे सामने पास खड़े कोई न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा है, कोई इंडिया को कर रहा है, अगर ये सब पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो वो कुछ करेंगे। चलो भाई पाकिस्तान को सपोर्ट करो, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। चलो देखते वर्ल्ड कप तक जाते के जाते। अच्छा मुझे बताओ कि आप खेल के आए हो तो क्या लगता है कि कौन आपका आइडियल है, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात करो, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, चलो वर्ल्ड को छोड़ो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करो, तो कौन आपका आइडियल है? मेरा बाबर आजम। अच्छा और हिंदुस्तान की टीम में से? हिंदुस्तान में विराट कोहली। भाई बड़े फैन है उसके। आपका? बाबर आजम। और उधर? उधर रोहित शर्मा। अरे वाह। आपका? बाबर आजम और उधर विराट कोहली। आपका? मोहम्मद रिजवान और साथ विराट कोहली। मैं तो बॉलर हूँ, मैं तो शाहीन शाह को और वहाँ पे जो है मोहम्मद सिराज, इन दोनों को करता हूँ। बहुत अच्छा खेलता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से अफगानिस्तान ने बुरी तरीके से जो है पाकिस्तान को हरा दिया है और उनकी बॉलिंग लाइन को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है, जो कि उसे वर्ल्ड क्लास बताते हैं। उस बॉलिंग लाइन को अफगानिस्तान ने जो है वो काफी आसानी से उनके प्लेयर्स ने पूरी तरीके से धो डाला और दो विकेटें गवा कर उनके जो भी चार प्लेयर्स थे उन्होंने काफी अच्छे रन बनाए, अपनी 50 पूरी की और इसी के साथ जो है उनकी बॉलिंग यानी कि पाकिस्तान की बॉलिंग की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों इसी के साथ बाबर आजम जिनको जो है वो टॉप क्लास और वे किंग कहते हैं विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, वहीं पे अब पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि क्या बाबर आजम को जो है आप जो है विराट कोहली से जो है वो ये मैच करते हैं, विराट कोहली जो है वो क्लास वाला बंदा है और इसको देखो बाबर को चार मैच हो गए आज उसने 50 बनाई है। दोस्तों इससे पता चलता है कि पाकिस्तान भी अपनी टीम से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अमिल तक नेवीट के साथ, तब तक थैंक यू एंड बाय।